उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। क्राइम ब्रांच और थाना भोगांव पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनका एक साथी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई स्कॉर्पियो कार, तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि थाना भोगांव पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो कार में सवार कुछ शातिर बदमाश देवीपुर से ग्राम छाछा की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने जीटी रोड पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार आते हुए देखी तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दो बदमाशों को दबोच लिया और उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान अभिमन्यु यादव और चंद्रशेखर के रूप में हुई है, जबकि भगोड़े साथी का नाम गोलू निवासी नगला बंसी थाना वेवर बताया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। हमारे भोगांव थाना क्षेत्र जो मैनपुरी जनपद में है, उसमें ये प्रकरण सामने आया है जिसमें बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और दो शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद इनका एक साथी बचकर भाग निकला है। ये पकड़े गए दो बदमाशों से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है, तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये 6 फरवरी को हमारे मैनपुरी जनपद में घटना हुई थी, स्कॉर्पियो लूटी गई थी और उसी से संबंधित ये बदमाश हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है, इनको आज जेल भेजा जा रहा है। बदमाशों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये थाना भरतना इटावा क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसका जो सरगना है जिसका नाम राजा उर्फ हनी है, हनी यादव, ये थाना भरतना क्षेत्र जनपद इटावा का रहने वाला है। इस पे अब तक करीब 2 दर्जन अपराध इसके नाम पे पंजीकृत हो चुके हैं और इसका दूसरा साथी चंदूर चंद्रशेखर यादव, इस पे भी करीब 1 दर्जन के आसपास अपराध पंजीकृत पाए गए हैं। ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल हैं। इसका सरगना हनी जो है अभी 2 फरवरी को जेल से छूट कर आया है, इटावा जेल में बंद था, उसी जेल में इन लोगों की दोस्ती हुई थी, वहीं से गैंग बना था और ये स्कॉर्पियो लूट और बाइक लूट, वाहन लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इनका तरीका ये है कि ये बुकिंग कराते हैं पहले और उसके बाद बुकिंग में जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये लूट लेते हैं। इस तरह का इनका काम करने का तरीका है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और आज इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे और भी कठोर कार्रवाई इन पर अमल में लाई जाएंगी। सर्विलांस और स्वाट और थाना भोगांव की पुलिस ने अच्छा काम किया है, उनको 15,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। लूट का मार्ग करते क्या है सर? ये पूछताछ में इन्होंने बताया कि पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो लूटते हैं तो इनको बारात में या विभिन्न आयोजनों में चुनाव के दौरान उसको चलवाते हैं, अगर ये सब काम इनको नहीं मिलता है तब इन गाड़ियों को ये बेच देते हैं या कबाड़ियों को कटवा देते हैं, इसे जितना भी इनको फ़ायदा मिले उसका इस्तेमाल फिर अपनी जमानत इत्यादि में और अपने और क्राइम को अंजाम देने में ये काम करते हैं, इस तरह का इन्होंने बताया है पूछताछ में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।